पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो दुनिया से छिपी नहीं है। वहां आवाम के सामने रोटी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खर्च के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पश्चिमी देश पाकिस्तान का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नतीजा पाकिस्तानी आवाम को बरसों भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की बदहाली का सौदा किया जा रहा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि उसकी मुश्किल हल हो सकती है, उसके हालात फिर सुधर सकते हैं, लेकिन उसे रूस पर हमले के लिए सामान तैयार करना होगा। पाकिस्तान से कहा गया है कि उसे रूस पर हमला करने के लिए हथियार बनाने पड़ेंगे। दरअसल ब्रिटेन ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजने के लिए पाकिस्तान के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कहा जाए तो हथियार भेजकर पाकिस्तान ने रूस पे एक तरह से हमला किया है। ऐसे में पाकिस्तान रूस का खुला दुश्मन हो गया है। पाकिस्तान एक बार नहीं अनेक बार दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो चुका है। भारत भी रूस को पाकिस्तान को लेकर कई बार आगाह कर चुका है और आज रूस को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान ने आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उसने रूस जैसे ताकतवर देश से दुश्मनी मोल क्यों ली? इसकी वजह है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आवाम को भूखमरी से बचाना। पाकिस्तान की गद्दारी देखिए कि जिस रूस ने पाकिस्तान का पेट भरने के लिए गेहूं भेजा, पाकिस्तान उसी रूस की पीठ में छुरा घोप रहा है, उससे गद्दारी कर रहा है। पाकिस्तान का असली चेहरा और चरित्र हमेशा से यही रहा है। रूस ने बुरे वक्त में जिस पाकिस्तान की मदद की, उसी पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ एक डील कर ली। इस डील में ब्रिटेन के साथ साथ यूक्रेन भी शामिल है। डील के तहत पाकिस्तान से रॉकेट और गोला बारूद की 162 कंटेनरों की पहली खेप फरवरी में कराची के बंदरगाह से जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई थी। ये तब हुआ जब हाल में रूस ने पाकिस्तान को जहाजों के जरिए गेहूं की एक बड़ी खेप भेजी। मतलब ये कि एक तरफ पाकिस्तान से जहाज निकला जिस पर रूस पर हमला करने के लिए हथियार भरे थे, तो दूसरी तरफ रूस से गेहूं भरा जहाज पाकिस्तान पहुंचा। अब ये दगाबाजी और गद्दारी नहीं तो और क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अलावा पोलैंड से भी समझौता किया। पोलैंड की इस कंपनी ने पाकिस्तान को गोला बारूद बनाने का ठेका दिया ताकि यूक्रेन की मदद की जा सके। एक तरफ पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल और गेहूं मांग रहा है, उससे मदद की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश में शामिल। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।